जंग लगी टुंटी की निप्पल अपने आप निकलेगी बाहर। देखिए बहुत से लोग पानी वेस्ट हो जाता है और बहुत से प्लम्बर, ये हमारा प्लम्बर बीच में इसको छोड़ गया है, कैसे ये बाहर निकल के आएगी। देखिए जंग लगा पड़ा है अंदर तक और ये टूट चुकी है। इसके बदले में प्लम्बर पूरा का पूरा सिस्टम बदल देते हैं, लेकिन आज आपको सिस्टम नहीं बदलना पड़ेगा। देखिए हमारे घर में जब प्लम्बर का काम चल रहा था तो ये देखिए पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने बदल दिया। कई दीवारें खराब हो जाती हैं, दीवारें तोड़नी पड़ती हैं, दीवारें तोड़ तोड़ के प्लम्बर इसको निकालते हैं, लेकिन आपको बिना दीवारें तोड़े ही इस देखिए टूटी हुई चूड़ी को कैसे बाहर निकाल लोगे एक दो मिनट में ही इस टेक्निक से। ये टेक्निक आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आपने बनानी है, कैसे इसको चलाना है। देखिए ये कई बारी ग्राइंडर होता है, जो ग्राइंडर की भी सहायता लेते हैं लोग, लेकिन ग्राइंडर की भी हम सहायता नहीं लेंगे। तो कैसे ये देखिए इसको एक खांचे में सेट करेंगे, वहां से मैंने खुलवा लिया है, ये खोल लिया है बिना प्लम्बर के ही पैपरिच की मदद से। अब देखिए मैंने इसको सांचे में फिट कर लिया है। अब देखिए ये ग्राइंडर, लोग ग्राइंडर सोचते हैं ग्राइंडर चलाएंगे इस पे, बिजली की तार तो लगा दो। ये देखिए इसको ग्राइंडर चलाएंगे तो आपकी जो निप्पल है, एल्बो है, ये एल्बो कट जाएगी और खराब हो जाएगी, तो इस ग्राइंडर का भी प्रयोग नहीं करेंगे। ये ग्राइंडर की तार हम हटा लेंगे और इसको देखिए ये जो ग्राइंडर का ये पार्ट है ये निकाल लेंगे, ये हिस्सा, ये देखिए। अब इसको आपके सामने ही मैं खोल के दिखाऊंगा। ये देखिए ग्राइंडर का ये हिस्सा लेंगे, ये अब ये क्यों ले रहा हूं और इससे कैसे काम होगा, कैसे वर्किंग होगी, देखिए इसी जुगाड़ से ये मिनटों में जो इसकी चूड़ी है, ये जो चूड़ी है आपके हाथ में आ जाएगी बिना प्लम्बर के। अब देखिए इसको लेने के बाद मैंने चार पेंच लिए हैं, यानी कि काले स्क्रू या थोड़े वाइट स्क्रू आप ले सकते हैं, और इसको इन चारों बोल्ट में डाल देंगे। ये देखिए ऐसे इसमें डाल देंगे, इसमें डाल के बड़ी आसानी से एक से दो मिनट में ही ये निकल जाएगी बिना किसी टेंशन के। और देखिए इसमें एक बोल्ट डालना है यहां से, इसके नीचे से, ये नीचे से, और ऊपर से वार्सल लगानी है इस तरह से, और इसको टाइट कर लेना है, यानी कि हल्का सा मिलाना है। मिलाने के बाद देखिए इस तरह का कुछ दिखाई देगा ये, फिर इसको इसमें डालना है, यानी कि जो चूड़ी अंदर टूट चुकी है इस तरह से फंसा लेना है। फंसाने के बाद ये बोल्ट बाहर से टाइट कर देना है, ये देखिए अब इसको टाइट कर रहा हूँ एक चाबी की मदद से, इसको मैं टाइट कर दूंगा। ये देखिए पूरा टाइट कर दिया है, यानी कि इसकी पकड़ बना दी है मजबूती। अब इसको कैसे खोलेंगे, देखिए ड्रिल को हम खोल लेंगे। देखिए एक ड्रिल लेंगे और ड्रिल का ये सुराख है, इसमें से बिट निकाल दी है। बिट निकालने के बाद देखिए ये ड्रिल सुलटी भी घूमती है, ये देखिए सुलटी घूम रही है, इसके चक्कर उल्टे कर लेंगे ऐसे, ये देखिए उल्टे चक्कर हो चुके हैं। अब इसको इसमें डाल लेंगे, इसमें बोल्ट लगाइए इसको पकड़ने के लिए, उधर से ये रखा है यहाँ, यहाँ ये पड़ा है यहाँ, ये देखिए इसको टाइट कर लेंगे अच्छे से, हाँ लगाओ, और इसको देखिए इसके खांचे में पूरा मजबूती से ये देखिए लगा लिया है, और इसको पावर पे कर देंगे, इसकी जो ड्रिल की पावर है सुपर पावर पे कर देंगे, और ये देखिए जो अंदर से ये फंसा हुआ है एक झटके में ही कैसे इसको मरोड़ मरोड़ के निकालेगा। और ये देखिए अब मैं इसको निकालने जा रहा हूँ ड्रिल को, ये देखिए थोड़ा सा टाइट हो रहा है, ओ भाई साहब थोड़ा सा इसको सुलटा घुमाना पड़ेगा, और ये देखिए ओ भाई साहब ये देखिए जो इसकी पकड़ थी इतनी मजबूत थी, इसको एक ही झटके में आपके हाथ में निकाल दिया है। ये टेक्निक से आपकी जो ये देखिए एल्बो बच जाएगी और आपका हजारों का नुकसान होने से बच जाएगा। थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा लोगों तक फैलाएं, और प्लम्बर को ये ट्रिक बताई और